हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बनाएंगे क्रिस्पी पोटैटो स्टिक्स। बड़ी इजी सी रेसिपी है, आसानी से बन जाती है, बड़े कम सामान से बना लोगे आप, और टेस्ट में तो ना हमेशा की तरह एक नंबर चीज बनने वाली है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए उबले हुए आलू। 2 से 3 उबले आलू लिए हमने, अच्छे से मैश कर लेते हैं इनको। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच हमने इसमें डाल देना है अरारोट का। इसके बाद हम इसमें नमक मिर्च मसाला डालेंगे। थोड़ी सी हमने पहले इसमें मिर्च डाल दी है, ये सब चीज़ें ना हम आधा चम्मच के करीब डाल रहे हैं। थोड़ा सा ना हमने इसमें चाट मसाला डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। ये सब चीज़ें ना हमेशा की तरह हम आधा आधा चम्मच ही रख रहे हैं, ज़्यादा नहीं डाल रहे, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं कर रहे और ज़्यादा मतलब ऐसा फीका सा भी नहीं रहेगा। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध, क्योंकि ना अभी ये स्टिकी नहीं है, हमें ना ये स्टिकी चाहिए, तभी जो हमारी वो कुल्फी वाली स्टिक है ना उस पर ये स्टिक करेगा अच्छे से। तो इसके लिए हमने थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड किया है इसमें और मिक्स करते जा रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं सारा दूध आप एक साथ डाल दो, ये थोड़ा थोड़ा करके ही आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी इसमें डालनी है। जब आपको लगे ना कि हमारा ये मिक्सचर थोड़ा स्टिकी सा हो गया, तो उसके बाद तो फिर ना और दूध मत डालना है इसमें। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये काफ़ी स्टिकी सा हो गया, अब ये अच्छे से ना स्टिक के ऊपर, जो हमारी कुल्फी वाली स्टिक है ना उसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा। हमारा आधा कप लगा था दूध इसमें। जिप बैग को हमने ऐसे ग्लास पे लगा लिया, अब इसमें भर देते हैं आराम से, पीछे लगा देंगे रबड़। तो हमें क्या करना है, एक कोने पे ना हम कट लगाएंगे। ये कट ना ज़्यादा बारीक भी नहीं लगाना और ज़्यादा मोटा भी नहीं लगाना, मतलब एक सफिशियंट अमाउंट का इसमें से मिक्सचर हमारा निकले ऐसा वाला लगाना है। उसके बाद हमें चाहिए एक कुल्फी वाली स्टिक। ना दो जन करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, अकेला बंदा भी कर सकता है ऐसी बात नहीं है, पर दो जन से थोड़ा आसानी से हो जाएगा। अब बस एक बंदे ने पकड़नी है स्टिक और दूसरे बंदे ने वो हमारा वो जिपिंग बैग को पकड़ लेना है और थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाना है और इधर से हमने ऐसे घुमाते जाना है एक बंदे ने, बड़े आराम आराम से करना है, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, मतलब आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, तो आप ना ज़्यादा जल्दी जल्दी भी कर पाओगे इसको। तो मतलब ज़्यादा कोई ऐसे ट्रिकी नहीं है चीज़, बड़ी आसानी से बन जाएगी चीज़ हमारी। जैसे हम ना सिंगल सिंगल लेयर ही कर रहे हैं, मतलब एक बार इसके ऊपर ऐसे घुमा दिया, बस इतना ही लगाया हमने। अगर आप चाहते हो कि ये आपको लगता है ये कम मटेरियल है थोड़ा, आप इसके ऊपर ना एक और बार भी इसको ऐसे लपेट सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आपको ज़्यादा खाना है एक स्टिक में, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ऐसे एक एक करके ना हमने सारी स्टिक्स बना के रख ली। अब बस सिंपली इनको फ्राई कर देना है। तेल हमने पहले से अच्छे से गर्म कर रखा था, मतलब जब हम इसमें डाल रहे हैं ना स्टिक्स को, तो तेल हमारा अच्छे से गर्म है पूरा। उसके बाद पर हमने इसका टेम्परेचर थोड़ा सा मीडियम कर देंगे, ताकि ना ये अच्छे से पक जाए, अंदर से बिल्कुल ऐसे कच्चा वच्चा ना रह जाए, कुछ पूरा प्रॉपर पके। वैसे कच्चा रहने वाला कुछ है भी नहीं इसमें, आलू हमारे उबले हुए हैं, बाकी और कुछ है नहीं। ऐसा हमने इसमें डाला खास मैदा वगैरह डाला, वो ऐसे आराम से मीडियम फ्लेम पर जब हम इसको तलेंगे तो बढ़िया से बन जाएगा। बस इनकी ना साइड्स वगैरह फ्लिप करते रहो, सारी साइड से अच्छे से पक जाए। बस जब आपको लगे कि इनका कलर थोड़ा गोल्डन ब्राउन सा हो गया ना, तो बस इनको बाहर निकाल लो। अब चाहो तो आप इनको ना ऐसे भी खा सकते हो, या इन पे कोई सॉस वगैरह लगा लो। तो हमने ना 1000 आइलैंड वाली सॉस यूज़ की। अब इसकी जगह पे ना मेयोनीज भी लगा सकते हो, या फिर आप टोमेटो केचप लगा लो, जो आपका दिल करे वैसे आप खा लो इसको। तो लीजिए, हमारी क्रिस्पी पोटैटो स्टिक्स बनके तैयार हो चुकी हैं। और मैंने आपको शुरू में बोला था ना, बड़ी आसानी से बन जाएगी चीज़, इंग्रेडिएंट भी बहुत कम लगेंगे इसको बनाने में, और वैसे ही है, कुछ ज़्यादा खास हमें काम करना नहीं पड़ा, बड़ी आसानी से हमारी चीज़ बन गई। और देखने में ना इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग लगती है ना ये स्टिक्स, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, बढ़िया चीज़ बन गई थी। मतलब अगर आप एक स्टिक खा लोगे ना, उसके बाद आपका मन करेगा दूसरी खा लेता हूँ, फिर मन करेगा तीसरी भी खा लेता हूँ, आपका पेट तो भर जाएगा पर आपका मन नहीं भरेगा। तो आप बिना ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखना और कमेंट करके बताना जब आपने बना के देखी तो आपके वाली कैसी बनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।